सो दिस इज द फार्म इंटरव्यू ऑफ एनएस गोट फार्म और मेरे बाजू में है फार्म ओनर एनएस गोट फार्म के ओनर मिस्टर नीलेश साव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू थैंक यू थैंक्स अ लॉट सो फॉर अलाउिंग अस टू कम हियर एंड रिकॉर्ड योर फार्म वीडियोस. थैंक्स फॉर दैट. सो वेलकम. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी तरफ से रहेगा. लोग जो सब्सक्राइबर्स पहले सबसे पहले ये पूछते हैं आपका फार्म कितने सालों से है यहाँ पर और आपको कितना एक्सपीरियंस है गोट फार्मिंग में. मेरा फार्म ये करीब 4 साल से है और फार्म चालू करने से पहले 2 साल में काफ़ी स्टडी किया ये टॉपिक के बाद में फार्म चालू किया हुआ है. थैंक यू. और ये जो फार्म है आप इस फार्म पर आप कौन कौन सी ब्रीड रखते हो, आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है. मेरे फेवरेट ब्रीड सोजत है और मेजॉरिटी के लिए मेरे पास सोजत का ही ब्रीड रहता है. मगर अभी फिलहाल बीटल और गुजरी का भी ब्रीड है मेरे पास. ओके तो जैसे कि आपने सुना है इनके फार्म पर आपको मिलेगी बीटल सोजात और गुजरी ब्रीड के बकरे. तो अभी एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है, काफ़ी लोग जो पूछते हैं जो नॉर्मल डेली लाइफ में एक दो सिंगल बकरे पालते हैं तो उनका सवाल रहता है बकरों का वेट गेन कैसे करें. तो इनको मिस्टर नीलेश साहब को काफ़ी बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो उनसे हम यही सवाल करना चाहेंगे. बेसिकली बकरों को वेट गेन अगर कराना है तो उनको एम्बियंस यानी उनको शांति मिलनी चाहिए. बहुत से जगह ऐसा होता है बेड के जगह में बकरे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके ग्रोथ के ऊपर बहुत असर हो जाती है. अभी ये मेरा जो फार्म है वो पूरा सराउंडेड बाय नेचुरल ट्री नेचुरल एनवायरनमेंट है. उसके वजह से ही मेरे इधर बकरे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और फीडिंग पैटर्न भी मेरा अच्छा है. उनको अच्छे क्वालिटी के फीड ग्रेन्स दिए जाते हैं और फीड 4 times दिन में दिया जाता है. उसके वजह से उनकी ग्रोथ सही हो जाती है. थैंक्स. बताए थे कि जो मतलब बकरे आते हैं स्टार्ट में तो जो छोटे बच्चे होते हैं तब वो टाइम अगर उनको अच्छी तरीके से फूड्स देंगे आप तो उनका ग्रोथ अच्छे से होता है. तो जैसे आप बता रहे थे पिछले मतलब वीडियोस में तो वो क्या तरीका होता है कि मतलब बच्चा जब स्टार्ट में आता है तो तभी से लाना चाहिए ना उसे 2-4 दिन. नहीं, मेरा ऐसा है कि मैं बच्चे जो लाता हूँ करीब 4 महीने के बच्चे लेके आता हूँ. 3 महीने 4 महीने 5 महीने उनको सेट करने के लिए 1-1.5 महीने तकलीफ हो जाती है बिकॉज राजस्थान का एनवायरनमेंट और अपने इधर का एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है. और थोड़े सेट होने के बाद उनको बराबर एकदम फूड ग्रेन का डाइट दिया जाता है. रेगुलर कैल्शियम बोरोटॉन लिवर टॉनिक दिया जाता है. तो उनको कम उम्र में करीब 4.5-5 महीने की उम्र में से ही उनको अच्छा गुड क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन मिलने की वजह से मैंने यहाँ पे आदान बच्चे 70 किलो 80 किलो 85 किलो के आदान बच्चे बन जाते हैं. यानी उनकी एवरेज वेट गेन 6 किलो तो महीने में मिलती है. मिलती कम से कम बोल रहा हूँ, मैं लोअर रेंज पे ही बात कर रहा हूँ मैं. हाँ तो ये थी सर की तरफ से एक टिप्स जो मतलब गोट्स आते हैं. फ्यूचर प्लानिंग क्या, फ्यूचर प्लान आपका एनएस गोट फार्म के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप आगे क्या क्या सोचे हैं गोट फार्मिंग से रिलेटेड. अभी तो फिलहाल मैं एक्सपेंशन के लिए जा रहा हूँ. मेरी एक बड़ी शेड जल्दी रेडी हो जाएगी और वहाँ पे मैं खुद का प्रोडक्शन करने का प्लानिंग है. यानी खुद की बकरियाँ और खुद के बकरों से प्रोडक्शन का लाइन चालू करने वाला हूँ. मैं इधर पहले प्रोडक्शन ही करता था पहले स्टार्टिंग के 2-2.5 साल. और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर अपने खुद के फार्म की बच्चे रहेंगे तो वो जल्दी सेट भी हो जाते हैं और उनको बीमारी कम आती है और उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है. तो अपने फार्म पे जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे बेस्ट है और वही करने वाला हूँ मैं. खुद के इधर प्रोडक्शन करके बाद में सेल करने वाला हूँ मैं. ओके थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कुछ रिव्यू देना हो फार्म के बारे में तो आप वो भी दे सकते हैं. सर ज़रूर पढ़ेंगे आप लोगों के कमेंट्स. तो बस इस इंटरव्यू में इतना ही था. थैंक यू सो मच. थैंक यू नाइस टॉकिंग टू यू ऑल पीपल. थैंक यू.